भाग दौड़ करते रहने चाहिए ना। बड़ी बड़ी हाँ जी बड़ा बड़ा खुराफाती सा किरदार है जो अपने मकसद के लिए जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनमें घुस जाता है और ले दे के मतलब अपना सॉल्व कर ही लेता है बस। कहीं ना कहीं फिल्म ये भी बताती है कितना ड्रॉप का फुटो हो जाता है। जी 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 जाने के लिए किसी रियलिटी शो में जाने के लिए जी 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 क्या कहना चाहिए, क्या मैसेज लेके आ रही है? ये कि झूठे उल्टे सीधे केस ना डाले जाएं तो बेहतर है और ज़बरदस्ती का किसी को उलझाना किसी को फंसाना और फिर एक्चुअली जो फंसाता है वो तो ठीक है लेकिन जो उसमें जो इन्वॉल्व रहते हैं सबसे ज़्यादा गुनाहगार तो मेरे ख्याल से वो लोग हैं जो ऐसे केसेस में और उनकी उनको सपोर्ट करते हैं तो ज़्यादातर लोग जो सपोर्ट करने वाले गुनाहगार मेरे ख्याल से वो ज़्यादा गुनाहगार ऐसे को प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए जो कि इस तरह के उल्टे सीधे तो इस तरह की चीज़ों को समझना चाहिए और क्यों हों ऐसे यार मानवता कहाँ चली गई बेसिकली बात ये है कि इंसानियत कहाँ चली गई लोग इंसानियत के परे होते चले जा रहे हैं दरअसल इस फिल्म का यही और मकसद है कि इंसानियत खोते जा रही है अपने मतलब के लिए आप किसी की जान ले लेंगे किसी को ख़त्म कर देंगे रेप कर देंगे कुछ भी कर देंगे और पैसों की वजह से अपने आप को बचा भी ले जाते हैं तो ये सारी जो चीज़ें हैं तो इससे ऐसा लगता है कि पता नहीं देश किस तरफ जा रहा है तो जल्दी अगर हमारी समझ नहीं आई ये बात तो और फिर पता नहीं कितना बिखरा और कितना कितने लोग बिगड़ जाएंगे कि फिर बाद में अगर बहुत ज़्यादा हो तो फिर संभालना मुश्किल पड़ जाएगा तब कोशिश यही की जा रही है कि भाई लोग समझिए अपने आप को समझिए इंसानियत को समझिए और इस तरह का काम ना करें जो कि आपको तो है तकलीफ क्योंकि अगर कोई इस तरह का काम करता तो ऐसा नहीं कि वो बच जाए कभी कोई बचता नहीं है वो कभी ना कभी उसकी सज़ा उसको मिल ही जाती है जैसे आप एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे उसका नतीजा वैसा मिल ही जाता है चाहे कुछ भी हो जाए तो बस यही है वो तो कुदरत की वो है कि आप गलत काम करेंगे तो उसका नतीजा गलत ही निकलेगा। क्या उम्मीद है आपको उनसे और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी एक नए फैसले के साथ कहीं ना कहीं इस बात की वकालत कर रहा है जी दहेज के मामलों को लेकर अमूमन बहुत इमीडिएट अरेस्ट हो जाया करता था जी और आपकी फिल्म भी सोशल मैसेज देके आ रही है जी यू शुड नॉट फाइल अ फेक केस जी क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूँगा बिल्कुल फेक केसेस होने नहीं चाहिए ना डालने चाहिए ना डलवाने चाहिए ये बहुत ही बड़ा गुनाह है और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो इस तरह का काम करता है उसका भुगतना भी पड़ता है फिर अरे अरे डांस तो करवा दिया गया इन्होंने बस ये है कि हमारे पप्पू जी ने डांस किसी तरह मैंने तो मना कर दिया था कि नहीं मेरे बस की बात नहीं है तो कैरेक्टर करवा लीजिए अब कैरेक्टर में जब डांस की जब नौबत आई तो बस फिर करना पड़ गया बस ये करना पड़ गया इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा मैं अरे बहुत मुश्किल बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए वैसे कर जाता हूँ लेकिन ये जो जिस तरह का आजकल जो डांस है उससे मैं बड़ा घबराता हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल जो अल्फाज कुछ होते हैं और स्टेप कुछ और होते हैं गाना कुछ धुन कुछ और होती है सिर्फ रिदम को फॉलो करके जो जिस तरह करते हैं तो उसको समझना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए जिस तरह बॉडी को तोड़ मरोड़ के और नचा देते हैं तो वो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है जी। क्या रहेगी क्या रहेगी मैं तो अच्छी उम्मीद रखता हूँ भाई क्योंकि जो किया है काम तो फिर चाहता हूँ कि लोग फिल्में देखें और मैं तो ये भी चाहूँगा कि और अच्छी अच्छी इस तरह से फिल्म बननी चाहिए जो नए नए सब्जेक्ट क्योंकि हमारे यहाँ सब्जेक्टों की कमी नहीं है बहुत कुछ है अब वो घिसे पिटे जो सब्जेक्ट चले आते हैं और कम बजट की भी फिल्म ऐसा भी नहीं बहुत बड़ा बजट है तो मेरे ख्याल से कम बजट की फिल्में ही अच्छी होती हैं तो मैं लोगों से चाहता हूँ कि ज़रा कम बजट की फिल्में भी देखा करिए है ना बड़े बजट की फिल्मों की तरफ से